तो भोपाल और रायपुर से हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं और सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी रायपुर का, क्योंकि देखिए नेहा, मौसम विभाग की तरफ से बस्तर इलाके में रेड अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि भोपाल में भी ऐसे कुछ मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जारी किया है, लेकिन बस्तर में ज्यादा डेंजर जोन में है। की बात करते हैं तो मानसून आने के बाद से ही पूरे प्रदेश भर में लगातार बारिश का दौर जारी है। हालांकि अगर मैं राजधानी रायपुर की बात करती हूं तो यहां पर रुक रुक कर बारिश जरूर हो रही है, लेकिन लगातार जो है वो बारिश का सिलसिला यहां राजधानी रायपुर में ही बना हुआ है। और अगर अभी वर्तमान की बात करते हैं तो रेड अलर्ट जो है बारिश को लेकर के मौसम विभाग ने जारी किया है। खासतौर से जो मानसून द्रोणिका है वो बस्तर संभाग के ऊपर बनी हुई है, इसलिए जो बारिश का मुख्य केंद्र रहेगा वो पूरा बस्तर संभाग रहेगा और सभी पूरे संभाग में जो है वो अगले तीन दिनों तक लगातार और भारी बारिश की चेतावनी जो है वो मौसम विशेषज्ञों ने दी है। और इसी तरीके से अभी भी जो है पूरे प्रदेश भर में लगातार बारिश का दौर बना हुआ है। मानसून द्रोणिका जो है वो रुक रुक के सक्रिय हो रही है और अनुमान भी विशेषज्ञों ने ये लगाया है कि आने वाले दिनों में भी इस तरीके की स्थिति जो है वो बनी रहेगी। रायपुर में ही थोड़ी बहुत ही बारिश यहाँ पर ज़रूर हो रही है, लेकिन बारिश ने रायपुर की जो अब तक की जो बारिश है उसने अपना कोटा जो है वो बारिश का कोटा पूरा कर लिया गया है और बस्तर में कोटे से अधिक जो है जो अनुमान लगाया गया था विशेषज्ञों ने, उस अनुमान से अधिक बारिश अब तक दर्ज हुई है और आने वाले दिनों में भी जो है लगातार बारिश जो की स्थिति जो है वो बनी रहेगी। तकरीबन 350 मिलीमीटर जो है बारिश की जो दर्ज है, आंकड़े जो है वो मौसम विशेषज्ञों ने दर्ज किए हैं। और इसी तरीके से अभी ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो सिलसिला है वो तकरीबन सितंबर तक ये जो हालात हैं वो बने रहेंगे और सबसे ज़्यादा जो मुख्य केंद्र रहेगा वो बस्तर सरगुजा संभाग का केंद्र रहेगा, यानी कि छत्तीसगढ़ का जो दक्षिण इलाका है वो सबसे ज़्यादा बारिश से प्रभावित होने वाला है। और मध्य छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करते हैं, रायपुर दुर्ग और बिलासपुर में भी जो है वो सामान्य स्थिति बनी रहेगी और आने वाले समय में बारिश के आंकड़े भी जो है वो भी समान है। इस बार जो पूरी तरह से कुल मिलाकर अभी समस्या जो है वो कम नहीं होगी। अमृतांशी का रुख करती हूँ। अमृतांशी, मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जारी किया है, किस जिलों में कौन सा अलर्ट जारी किया ये हमने दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए बताया है, लेकिन बारिश के बाद जो समस्या उत्पन्न होगी उससे निपटने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था और क्या गाइडलाइंस? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में भी अलग अलग जिलों में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है और कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट के साथ साथ येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। सबसे पहले आपको राजधानी भोपाल का मौसम दिखाती हूँ, उसके बाद बताती हूँ कि क्या कुछ प्रशासनिक तैयारी अमले की तरफ से की गई है। ये मौसम है राजधानी भोपाल का, सुबह से ही देखिए यहाँ पर लगातार बादल छाए हुए हैं और राजधानी भोपाल में भी आज बारिश को लेकर अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, लेकिन नर्मदा, विदिशा, बैतूल, हरदा और ऐसे कई जिलों में जो है भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही भोपाल, राजगढ़, इंदौर, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, खरगोन, उज्जैन, यानी कि भोपाल संभाग, इंदौर, उज्जैन संभाग और नर्मदापुरम संभाग, इन जिलों में आज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन तैयारियों की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है, देखिए पोल खुलती हुई तो नजर आती है क्योंकि नगर निगम ने खासतौर पर इस बार नालों की कोई सफाई नहीं की है और जैसे ही ज्यादा बारिश होती है तो उसके बाद यहाँ पर सड़कें जो है वो लबालब हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर राजधानी भोपाल में एक नगर निगम की तरफ से कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसमें 24 घंटे कंट्रोल रूम में तमाम जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो तैनात रहते हैं और कहीं पर भी ऐसी कोई घटना होती है, चाहे हम कोई बिल्डिंग गिर मलबा गिरने की बात करें या फिर हम पेड़ गिरने की बात करें या फिर अगर कहीं जलभराव की स्थिति हो रही है तो उसके लिए लगातार जो है कंट्रोल रूम से अधिकारी सतत निगरानी करते हैं और वहाँ पर अमला भेजने की जोन वाइज कोशिश करते हैं। लेकिन कल ही की बात मैं आपको बता दूँ कि महापौर हेल्पलाइन जो नंबर है उसमें अगर हम बात करें तो बड़ी संख्या में शिकायतें आई हैं और इसमें 50% से भी ज्यादा शिकायतें जलभराव को लेकर है। राजधानी भोपाल के पौश इलाकों से लेकर बस्तियों तक जो बिल्कुल बारिश का दौर लगातार जारी है, ऐसे में भी प्रशासन की तरफ से तमाम वो व्यवस्था की जा रही जो बारिश के बाद जो समस्या उत्पन्न होती है उससे निपटने के लिए। फिलहाल अमृतांशी और नेहा, आप दोनों का विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।